बिल्डिंग के जो वॉचमैन है उससे सब लोग बहुत परेशान है, परेशान हो के समझाने के बाद भी नहीं माना, फाइनली मीटिंग करके उसको निकाल दिया। उसकी प्रॉब्लम ये थी, रात को डंडा लेके घूमता था, बिल्डिंग के चक्कर लगाता था और एक ही बात जोर जोर बोलता था, जागते रहो जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। कुछ लोगों में एक एज के बाद, एक उम्र के बाद कंपन आ जाता है, बॉडी उनकी हिलने लगती है, शिविर करने लगती है। तो ऐसे एक दादाजी को देखा, पूरे घर में, बालकनी से गार्डन में, गार्डन से बालकनी में, पूरे घर में दादाजी, ये कब से परेशानी है, डॉक्टर को दिखाते नहीं हो। ग्रैंडसन बोला, आइला मेरे को क्या मालूम है तकलीफ है, मेरे को लगा आप बोलते हो, मैं तो बाबा मजे में हूँ। आप लोग अपना अपना देखो, नहीं ये तो तकलीफ है। अच्छा चलो डॉक्टर के ले चलता हूँ। ग्रैंडसन ने कार में बिठाया, दादाजी को डॉक्टर के लाया। डॉक्टर डिस्पेंसरी दिखी, दादाजी आप यहीं खड़े रहना, मैं तब तक केस पेपर बनवा लेता हूँ। दादाजी वही खड़े हैं कार से निकल के, वो केस पेपर बनवा रहा है, इतने में कंपाउंडर भागता हुआ है। अरे वो कार के पास खड़े हो, किसके साथ है वो? वो कार के पास है, किसके साथ है? मेरे साथ है, मेरे दादाजी है। क्यों क्या हुआ? अरे उनको बंद तो करो, स्टार्ट करके छोड़ दिया। हमारे एक मद्रासी अन्ना एक फिल्म देख के आ गए हैं, हम आपके हैं कौन, और भैया जी को उसकी स्टोरी सुना रहे हैं। भैया ने पूछा सडनली, का अन्ना? अरे यहाँ आओ। अरे तो का बोल, हाँ कहा कल दिखाने, कल कहाँ गया रहा? तो यार नारियल की दुकान बंद रहा, बाकड़ा बंद रहा, कल कहाँ गया रहा? यस्टरडे आई हैव सीन अ हिंदी मूवी, मैं तेरा कौन रे? ये कौन सा निमा? हिंदी का हमको थोड़ा तपलीक। मैं तेरा बोलेगा तो आम आपके ऐसा ऐसा, मतलब आपका आपका कौन ऐसा? हाँ वो देखे हो गए, मतलब हम आपके हैं कौन? वही देखा, हमारे हिंदी का तकलीफ, वो तुम बोला वो देखा। वो फिल्म में अच्छा दिखा है पर आई डोंट लाइक, हमारा कन्नड़ फिल्म में छे रेप। रेप नहीं होएगा तो हमारा पैसा वसूल नहीं होता है। रे रेप में स्ट्रगल दिखाता है, पकड़ेगा छोड़ेगा भागते फिर इधर आएंगे भागेंगे, तो लाइफ में स्ट्रगल। हम भी इधर स्ट्रगल करके धंधा शुरू किया, स्ट्रगल देखते हमको अच्छा लगता। बाद में हम आके आओ, कौन के अंदर दो अन्ना रहते हैं, बड़ा अन्ना बोलेगा तो मोनिश बैल, छोटा अन्ना सलमान। मोनिश का ऐसा शादी दिखाएगा तो शादी में सब छोकरी लोग मिलके सॉन्ग करने का, दीदी तेरा देवर, दीदी बोलेगा तो अरे दीदी मतलब जो है बहन, मतलब बहन को जो है मतलब दीदी कहता। बाद में बहुत टेंशन का बात हो गया, वो ये सब छोकरी लोग मिलके जूता चुराने का, मेरे को लगा है एकदम इसका शादी एकदम चोर फैमिली में हो गया। बाद में इधर एक टेंशन बिल्डअप किया, वो किसका शादी? मोनिश का शादी, वापस माधुरी सोना बोल के मैं भी टेंशन में, जैसे जैसे टेंशन हुआ मैं लुंगी ऊपर करना स्टार्ट किया। थोड़ा टेंशन में तो थोड़ा उठाया और टेंशन में तो और उठाया, मेरे बाजू वाले बोला लुंगी नीचे करना इधर लोग मारता है। ये कन्नड़ नहीं है। बाद में डॉग वेरी क्यूट, व्हाइट कलर का व्हाइट डॉग उधर जाने का, और मुंह में मतलब ऐसे लेटर लेके मोनिश को देख के क्लियरिफिकेशन कि किसको लप रहा है बोल के, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं पूरा लुंगी नीचे गया। काम वाली भाई एक बहुत बड़े आदमी के घर काम करती थी, मंत्री थे बहुत बड़े, वो गुजर गए। अब ये काम वाली भाई सीधी साधी
कि उनकी मैयत में जाके आई है और अपनी सहेली को मैयत के बारे में बता रही है। अरे ओ शांत भाई, हमारे साहब का मैयत देखा क्या? अरे देखने से रिखा तो, अरे काय मैयत होता रे बाबा, अरे काय गर्दी, दुकाना विकाना बंद, गर्दी। वो गर्दी देख के मेरे को मालूम पड़ा मेरे साहब बहुत बड़ा आदमी था। ये मेरे को पहले मालूम पड़ता तो मैं पगार बढ़ाती थी। अरे कैसे इतने बरस निकाला रे बाबा, अरे देखने सरी का मैयत था। अरे आगे आगे एक आदमी फटपट्टी पे चलने का, ऐसा हेलमेट डाल के बाजू बाजू पब्लिक को बाजू करते रहने का, उसके पीछे लाल बत्ती का गाड़ी, नंतर नीली बत्ती का गाड़ी, फिर लाल बत्ती का गाड़ी, नंतर नीली बत्ती का गाड़ी, उसके पीछे हमारे साहब ना लॉरी में ऐसा डेड बॉडी जैसा लेटे ले थे। हमारे मेम साहब ने हार वीर बहुत खर्चा किया उधर ना, पूरा लड़ी वड़ी लगाया, खर्चा किया। कई को साहब पहली बार मरे थे ना। अरे बाबा देखने सरीखा डेड बॉडी था, ऐसा जिंदगी में डेड बॉडी नहीं देखी। अरे बाबा पीछे लारी, लारी के पीछे लारी, उसके पीछे 1.5-2 हजार मानुष, ऐसा बोलने का अमर रे ऐसा बोलने का बोलने का। मालूम मैं साहब मंगाई थी 100-100 रुपया देके जलगांव से नासिक से मानुष मंगाई थी। कई को साहब पहली बार मरे थे ना, इससे कोई खर्चे में कमी नहीं रहना मंगा। मैम साहब मेरे को बोली, ए तारा भाई साहब का मैयत में तेरे आने का है? मैं बोला काहे क्यों नहीं आएगी, इतना बरस काम के लिए पगार लिए लिए आएगी। मैं उधर बैठी थी, साहब ने हम लोग का सेपरेट लारी दिए था। मैं तो वहां पीछे, मेरे को देख ये डेड बॉडी का गर्दी देख के एक ही चीज का दुख हो गया। साहब आज अगर जिंदा रहते अपना बॉडी में इतना गर्दी देखते थे कितना अच्छा लगता था उनको। उसकी सहेली बोलती है, ए तारा भाई मैं तेरे से बहुत नाराज है, इतना बड़ा आदमी गया, इतना बड़ा मैयत देख के आई, मेरे को लेके भी नहीं गई। अरे ओ कांता भाई फिकर न को कर, साहब का छोकरा है ना वो भी बड़ा मंत्री बनता है, वो भी बहुत लफड़ेबाज है, बहुत जल्दी उसका ऐसा होएगा, ऐसा होएगा ना मैं आगे से आके तू को लेके जाके दिखाएगी, परामिस परामिस मैं ऐसा मैयत का रास्ता देखेगी।